माध्यम बनाए और संसार के लोगों को उपदेश दिए। महापुरुषों का जो उपदेश होता है काल के लिए होता है, तो भगवान श्री राम ने मास के माध्यम से क्या कहा संसार के लोगों से? नौ प्रकार की भक्ति के संबंध में कहा, जो भी लोगों ने पाठ के रूप में सुना, इस पर कुछ व्याख्या भी सुना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगान, करिए कपट तज गान, मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, पंचम जो वेद प्रकाशा। पांच प्रकार की भक्ति जो है यह है अस्थूल भक्ति। अगर इतने में लगे रहेंगे तो जो अवस्था सबरी को प्राप्त हुआ दुखों से नहीं छूट पाएंगे। अस्थूल भक्ति के बाद भगवान राम ने सबरी के माध्यम से सूक्ष्म भक्ति, छठ दम शील विरति बहु कर्मा नित्र सज्जन धर्मा, सातम सब मोहिमय जग देखा, मौत ने सत अधिकार लिखा। छठी भक्ति में कहा छठ दमशील, दमशीलता प्राप्त कीजिए, मतलब हमारे इंद्र विषय में नहीं जाए यह साधना कीजिए। यह साधना कैसे होती है? ये जो हम लोग की दो आंखें हैं और दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है, असामान्य रेखा निकल रही है, अगर कोई व्यक्ति दोनों धार एक कर लेंगे, सटा लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उनकी इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी। यह काम करने के लिए भगवान श्री राम ने श्री माध्यम से संसर्गों से कहा, जैसे जोड़िए तो आपकी इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी। इसके आगे क्या कहा? सातम सम मोहि मैं जग देखा, सारा संसार ब्रह्ममय है, एक द्वितीय नास्ति। यह ज्ञान कैसे होता है, यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? इसके लिए महापुरुषों ने कहा जानवर खिलाने का नाद, यह नाद नहीं। नाद से मतलब है आदिनाद, सार शब्द। तो जो सार शब्द प्राप्त कर लेते हैं उनकी आत्मा खुल जाती है, उनका परम कल्याण हो जाता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? अपने परम कल्याण के लिए अस्थूल उपासना भी करनी चाहिए, अस्थूल भक्ति भी करनी चाहिए और सूक्ष्म भक्ति करनी चाहिए। दोनों को रखना है। देखिए अस्थूल उपासना अगर कोई नहीं करते, अस्थूल भक्ति नहीं करती है, सूक्ष्म भक्ति करने की शक्ति नहीं आती है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर की शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसे मोटी उपासना के बिना सुपासना करने की शक्ति नहीं आएगी। तो हम लोगों को मोटी उपासना में संतों का संग करना चाहिए, महापुरुष की वाणी को सुनना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर गुणानुवाद करना चाहिए, एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, सूक्ष्म भक्ति में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और सब साधना भी करनी चाहिए, तब परम कल्याण हो जाएगा। इन साधनों में सफलता किनको मिलेगी? जिस जीव का परम कल्याण हो जाए, जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब कहना है भाई अगर आप साधन सफलता प्राप्त करना चाहती हैं तो सदाचार, शिष्टाचार, अशुच्चाचार का पालन करना होगा, तभी अंतर साधना में दमशीलता प्राप्त कर सकती हैं और परमात्मा साक्षात्कार भी कर सकती हैं।
सदाचार प्राय सभी लोग जानते हैं, पंच पाप का त्याग, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। तो देखिए अंतः साधना में और सदाचार में, पंच पाप के त्याग में बहुत संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भात दाल सब्जी रोटी दाल सब्जी दही चूड़ा सुत्ता सत्तू भुंजा आदि खाती हैं, स्वाद लगता है। मौसम के अनुसार फल खाते हैं, केला खाते हैं तो मीठा लगता है, आम खाते मीठा लगता है। अपने बाड़ी में फूल का गाछ लगाए हैं, एक तोड़ लेते हैं, सूंघते हैं, सुगंध लगता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे अभी जो हम भात दाल सब्जी खा रहे हैं मिला करके जो स्वाद लग रहा है, तो भात दाल सब्जी को अलग कर दें और स्वाद को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर कोई यह सोचे मैं केला खा रहा हूँ मीठा लग रहा है, केला अलग कर दें मीठापन अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हाथ में गेंदा का फूल लेते हैं, गुलाब का फूल लेते हैं, सुगंध लगता है, भैया सोचे फूल को अलग कर दें सुगंध अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो जितना संबंध भोजन में स्वाद का, जितना संबंध फल में मिठास का, जितना संबंध फूल में सुगंध का है, इतना संबंध सदाचार और भक्ति में है। इसलिए हम लोगों को यह प्रयास रहे सदाचार पर करते हुए अंत साधना करें, क्योंकि दोनों का संबंध है। इसके बाद है शिष्टाचार, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना। जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी चार वस्तुओं स्वाभाविक बढ़ जाती हैं, आयु विद्या जस और बल, ये चार चीज़ उनकी बढ़ जाती हैं। तो हम लोग यह भी ख्याल रखना चाहिए बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की सेवा करें। इसके बाद है शुच्याचार, सफाई, भोजन की सफाई, स्थान की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़े की सफाई, भीतर हृदय की सफाई, बाहर भीतर सब सफाई चाहिए। तो देखिए सदाचार शिष्टाचार अशुच्चाचार तीनों को अपनाते हुए उतारते जो सुशल भक्ति करती हैं उनसे साधना तरक्की होती है। यह ज्ञान कहाँ होता है? हम सुशल भक्ति करने में पारंगत हो जाएं, आज तीनों का त्याग करें, मैंने पंच पाप का त्याग करें, बड़ों का सम्मान करें, यह भी जानकारी और जानकारी कहाँ होती है? इसी सत्संग में। जो सत्संग का जानकारी मिलती है कि अनिवार्य रूप से पंच पाप का त्याग करना है, बड़ों का सम्मान करना है और शुच्याचार सफाई करना है। सत्संग को कहा गया है ज्ञान यज्ञ। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी क्या क्या यज्ञ करती थी, संस्कार पर उसका परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति। यह है ज्ञान यज्ञ, इसका संस्कार पर सीधे मोक्ष में जाने का। तो ज्ञान यज्ञ में जानकारी मिलती है कि जब तक हम मानवीय भक्ति नहीं करेंगे तो परम कल्याण नहीं होगा। सत्संग जानकारी मिलती है, इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो अस्थूल उपासना सूक्ष्म उपासना है, इसको अगर आप हम समय लगा के नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। समय लगाना पड़ता है तब इसे सफलता मिलती है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब इनको समय लगाना पड़ा है। अस्थूल उपासना में भी सूक्ष्म उपासना में समय लगाना पड़ा है। तो हम लोग समय लगाना चाहिए,
और जानकारी के लिए महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं ठोस जानकारी मिल जाती है कि हमारा परम कल्याण कैसे होगा, तो अंतर साधना के द्वारा। और कोई उपाय नहीं है, जो अंतर साधना करने में समय नहीं लगा तो उनको सफलता नहीं मिलती है। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले तो रात में जगकर ध्यान जरूर करना चाहिए। एक संत हो गए हैं संत चरणदास जी महाराज, इन्होंने कहा दिन को हरि सिमरन करो, रैन जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करो तो ये सुवन कुवन। रैन जाकर ध्यान, रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए रात में जगकर ध्यान अवश्य किए हैं, अपने संजय में रखकर साधना किए हैं, तब ये महान तक प्राप्त किए हैं। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। भगवान बुद्ध जिस समय हुए उस समय राजगीर के आसपास के राजा थे अजातशत्रु, के पिताजी का नाम था बिंबिसार। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में दे दिया, भोजन बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए, बेचारे छटपटा के मर गए। जो जेल के अधिकारी थे वे चले खबर देने के लिए अजातशत्रु को। असंजोग से उसी रात में अजातशत्रु को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो निवास के जो व्यवस्थापक थे वे गए समाचार देने के लिए, पुत्र रथ की प्राप्ति हुई है। दोनों जा रहे समाचार देने के लिए, संजोग दोनों की भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हैं इसलिए यह बात करने के लिए तो पहले कौन सा सुनाना चाहिए, पहले शुभ समाचार सुनाना चाहिए। जाके सुनाते हैं राजन, शुभ समाचार यह है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बड़ी मन में खुशी हुई, यह करना है, भंडारा करना है, साधु मत बुलाना है, यह दान करना है। यह सोचते मन में आया जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरे पिता ऐसी सोचते होंगे। जैसे मन में आया उसे समाचार मिला पिताजी की मृत्यु हो गई, बहुत खेद हो गया, बहुत दुख हो गया, अब चैन नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आधी रात हो गई चैन नहीं मिल रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं। संजोग से राज वैद्य जीवक वहां पहुंच गए, कहा राजन इतनी रात हो गई अब तक आप सोए नहीं है, सारी घटना बता दिए, चैन नहीं मिल रहा है, आप चैन चाहते हैं? तो हाँ चैन चाहता हूं। तो चलिए समीप में जंगल है, भगवान बुद्ध 1000 भिक्षु संगमर का ध्यान अवश्य करती हैं, भगवान बुद्ध का उपदेश होगा आपको चैन मिलेगा। तो हाथी कसे चले जंगल समीप गए, नीचे उतरे, बिल्कुल सुनसान। राजसुर कहती हैं अपने राजवैद्य से जीवक से, वैद्य जी हमको लगता है आप मेरे साथ धोखाबाजी कर रही हैं, किसी बदमाश के हाथ में आपको देना चाहती हैं। आपने कहा 1000 भिक्षु संघ में ध्यान करती हैं, जहाँ 1000 आदमी होगा वहाँ जरूर कोई बातचीत करेंगे, जरूर कोई हाँफेंगे या छीकेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है, आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। जीवक ने कहा राजन मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ, बहुत संयमी है, आगे बढ़ा जाए और समझाए, आगे बढ़ी, देखते क्या है। 1000 भिक्षु बैठे हुए हैं एक बिल्कुल शांत भाव से, भगवान बुद्ध भी बैठे हुए हैं, क्यों बैठी थी रात में इतने शांत से, संयम रहती थी। भगवान बुद्ध के पास गए, आंख खोले, उपदेश मिला, फिर को शांति मिली। तो देखिए रात में जबकि विशेष ध्यान करना चाहिए, रात वही बैठ के कर सकते हैं जो संयम में रहती हैं, संयमशील व्यक्ति रात में धन के ध्यान कर सकती हैं। तो रात में पूरा रात जगने प्रयास करना चाहिए, अगर वो नहीं जग सकते हैं ब्रह्महूर्त में जगना चाहिए। बस भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, ब्रह्महूर्त में अगर कोई ध्यान नहीं करते हैं उनके लिए चरणदास जी महाराज कहना है कि जागे ना पिछले पहर,
करे न गुरु मत जाप, मुँह फल सोबत रह ताकू लागे पा, पाप का भागीदार बनना पड़ता है उनको। तो ब्रह्म जरूर बैठ के ध्यानवास करना चाहिए। देखिए जो ब्रह्म में ध्यानवास करते हैं उनके ऊपर महापुरुष की दया आती है। जो महापुरुष हिमालय कंदरा में है वे अपनी दया भेजते हैं। एक बात तो सुनाता हूँ आप लोगों को, गुरुदेव कुप्पाघाट आश्रम में अपने बरामदे पर धीरे धीरे टहल रहे थे। जहाँ कुर्सी रखी हुई है उत्तर से टहलते हुए दक्षिण को आ रही थी। समय लगभग 11 बजता होगा। एक सत्संगी दक्षिण तरफ से गए दर्शनार्थ, अगुरुदेव उधर से आ रहे टहलते हुए धीरे धीरे। ये सत्संगी झुके पहले प्रणाम किए, उसके बाद खड़े हो गए और हाथ जोड़ते कहते गुरु महाराज जी, हजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। जिसे बोले हजूर, गुरुदेव खड़े होकर चेहरे को देखने लग गए और तब ये बोले ध्यान करने मन लग जाए, दया की जाए। गुरुदेव बोले उनको देखते हुए, देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, तुम सोए रहते हो लौट आती है। वे भोर में ध्यान नहीं करती थी, कितना घाटा लग गया है। तो ब्रह्म तो जरूर ध्यान रस करना चाहिए। इसके बाद स्नान करने के बाद तुरंत स्नान करने माथा ठंडा हो जाता है, उसमें जरूर बैठ के ध्यान रस करना चाहिए। इसके बाद संध्या काल में पैर हाथ खुला संध्या करना चाहिए। सोने के समय से थ्रस कर लेने से बुरा स्वप्न न हो। तो देखिए महापुरुषों का कहना है कि संध्या काल में बैठ के ध्यानवास करना चाहिए। तो चार काम का निषेध बताया गया, चार काम नहीं करना चाहिए संध्या काल में। जिसमें सूर्य अस्त हो रहा है तो चार काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन चार काम करने का निषेध किया गया है? उस समय संध्या काल में स्वास्थ्य के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में अध्ययन करना चाहिए। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में मैथुन करना चाहिए। चार काम निषिद्ध है। तब करना क्या चाहिए? संध्या काल में ध्यानावास करना चाहिए। तो जो इस बातों को मानते हैं करते हैं का कल्याण होता है। तो हम लोगों को संध्या को जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। देखिए गुरु महाराज अति वृद्ध हो गए थे, फिर भी संध्या काल में पैर धुल करके धुलवा करके आंख में ध्यान करते थे। क्यों करते थे? प्रेरणा देने की, देखो हम भी करते हैं तुम लोग भी करो। तो संध्या काल में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। तो सत्संग करने से अध्यात्म ज्ञान की ठोस जानकारी मिल जाती है। तो जो अपने अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो समय पर की जरूरी ध्यानवास करना चाहिए। कल और आज सत्संग यह ज्ञान जग है। इस जग में जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से मन से धन से वचन से बहुत पुण्य का संचय किए हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सब अद्वैत विकास हो, भौतिक उन्नति हो, संपन्न हुआ। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी ब्रह्म के स्वरूप हुजूर श्री के मुखारविंद से जो हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान को सुना रहे थे। अगर इस ज्ञान को हम लोग धारण करेंगे एक दिन हम लोग भी उस शांति को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करके जीवन सफल बन जाएगा। अब आइए हम लोग महर्षि मेहि आश्रम मथुरापुर के सत्संग सेवक बाल ब्रह्मचर्य माधव दास ब्रह्मचारी पूज्यपाद भगरत बाबा को वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। अच्छा रुको, आओ 2 मिनट एक बोलबे भाई, आबो ना बोलो देवी।
श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह विशाल ज्ञान जग गुरुदेव के कृपा से सुसंपन्न हुआ है और इसमें जो कमियां आई है, हम संस्था और मेरे ओर से कमियां आई है चाहता हूं, और जो भी अच्छाई से अच्छाई आत्मज्ञान की चर्चा, सारे जीवों का कल्याण, सारे मानव मानवता आ जाए, यह ज्ञान की जो चर्चा हुई है गुरुदेव की कृपा है। आप लोगों को गुरुदेव की ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे और इस तरह से गुरुदेव का जो आदेश है कि सत्संग चलता रहे, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोग सब तरह से अगर जुटे रहेंगे, अर्थात तन मन धन से समर्पण रहेंगे, समर्पित रहेंगे, यह ज्ञान जग होता रहेगा और बहुत बहुत बड़ा कल्याण होगा मानव का, मानव जीवन सफल होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज हम और हमारे क्षेत्र के यहाँ जितने भी जिला जिला के लोग आए हैं, सबों के हृदय में यह संचार उदय हो जाए, यहाँ का जग ज्ञान जग विशेष विशेष रूप से होता रहे और सत्संग ज्ञान ध्यान की उन्नति होती रहे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों से साफ मैं अपने पाने को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल मैं मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख मनिया में मोरी नजर लगी। 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 नजर लागी हो
नजर लागी है, नजर लागी सुखमनिया में मोरी, नजर लागी सुखमनिया में मोरी, नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल सन्मुख बिंदु पकड़े लागे, सन्मुख बिंदु पकड़े लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। नजर लागी हो, नजर लागी नजर लागी हो, नजर लागी सुखमनिया में मोरी, नजर लागी सुखमनिया में मोरी, नजर लागे।
दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भा दिव्य ज्योति को सुखमनिया में मोरी नजर लगी सुखमनिया में मोरी नजर लगी नजर लगी हो नजर लगी नजर लागी हो नजर लागी सुखमनिया में मोरी नजर लागी सुखमनिया में मोरी नजर लागी सुखमनिया में मोरी नजर लगी नजर लागी हो नजर लागी नजर लागी हो नजर लागी सुखमनिया में मोरी नजर लगी सुखमनिया में मोरी नजर लगे नजर लगी नजर लगी हो नजर लगी सुखमनिया में मोरी नजर लागे सुखमनिया में
मोरी नजर लगे, सुखमनिया में मोरी नजर लगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक सूचना है, महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट से साहित्य भंडार आया हुआ है, जो कि पंडाल के ठीक पीछे लगा हुआ है आश्रम में ही। गुरु महाराज का रचित सत्संग योग चारों भाग, रामचरितमानस सार सटीक, पदावली, ईश्वर का स्वरूप और सभी पुस्तक हैं, और पूज्यपाद द्वारा रचित पुस्तक महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश, साधक पीयूष, परमात प्राप्ति के साधन, सेवा से नेवा, समय ज्ञान की महत्ता, प्रेरक संस्मरण अपने गुरु के याद में, और गुरु से भी स्वामी भगीरथ अभिनंदन ग्रंथ, सारे पुस्तक आपको बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं। आप लोग संदेश के स्वरूप अवश्य ले जाएं। और एक सूचना है, अगले साल के लिए मतलब 2025 के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं, इसी जगह पर ठीक इसी 19-20 जनवरी के लिए आप लोग अगले साल के लिए आप लोग आमंत्रित हैं। इसी तरह भारी से भारी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, इसी जगह पर सत्संग होगा, उसके लिए आप लोग को आगामी 2025 के लिए आपको आमंत्रण करते हैं। यहाँ के कमेटी और यहाँ के जितने भी सत्संग आयोजक करता हैं, आप लोग को सादर आमंत्रित कर रहे हैं अगले साल के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और जाते जाते आप लोग जरूर कुछ यहाँ सहयोग देके ही जाएंगे। अब हम लोग आरती गान करें। आरती संग की जय, अंतर जो तलखली जय पांच तर अग्नि जराई दीपक प्रकाश करी जय गग थाल रवि शशि पर मूलक पूर कलश धर दीजे अक्षत नवतारि मुक्ताहल पोह हिय हार गुहिजे शीत पान मिष्टान मीठ चंदन धूप दीप सब चीजे जल मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग जय सर्व सुगंध उरी च आकाश मधुकर का कीली धुनि दीजे निर्मल तजरत घट माय देखत दृष्टि दुसस अधर धार अमृत बही शतमत द्वार अमर रस बीज पी पी हो सुर वाली चरी चरी उमगिया रसरी जे कूट भान तेज उजाली अलख लखी लाग लगी जे छिन अधर पर राख
गुरु प्रसाद अगमर पीजे दमकत करक गुरु धाम उलटिया लल तुलसीता आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर जय चमके बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल ब्रह्म ज्योत अनुपम लखलीन जग जग मग रखी रखी ज्योति तर दी शब्द सूरत अभ्यास तर करी सार वद गहिली जय सीजुगति आया कर त्यागी भव भ्र सकल मल छी भव खन आरत निरल करी में अमृत रस पिए आरती तन मंदी की जय दृष्टि युगल सन मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय। गुरु महाराज।